जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कई दफ़े जीवन में आपने महसूस किया होगा कि आप सही हैं, फिर भी आपके साथ में गलत हो रहा है। आप लोगों के साथ में नेकी करते हैं, अच्छा करते हैं, सही हैं जीवन में, नियम को फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी भी तरह से आप किसी का भी गलत करने की तो बात दूर रही, सोचते भी नहीं हैं, इसके बावजूद भी आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं होता। और उसी जगह पर सामने आप देखते हैं कि जो लोग सही नहीं हैं, दूसरों की मिल्कत को हड़प कर लेते हैं, पैसे को पचा जाते हैं, गलत करते हैं, किसी भी तरह के नियम धर्म को फॉलो नहीं करते, मानते नहीं हैं, बिल्कुल मलेच्छ जैसे जीते हैं, लेकिन फिर भी उनके पर कुदरत मेहरबान होती है। देखने को ऐसा लगता है कि इनके पास में बहुत पैसा है, कुदरत इन पर मेहरबान है। और आप उसी जगह सही हैं, हर किसी के साथ में अच्छा करते हैं, मन में दया भाव है, हर किसी के प्रति आप सच्चा सोचते हैं, सच सोचते हैं, किसी की भी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। और कई बार ऐसी हेल्प करने के चक्कर में आप फंस भी जाते हैं, खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी भी दे मारते हैं। कई दफ़े ऐसा हुआ कि आपका खुद का पैसा आपने उठा करके किसी को दे दिया और उस व्यक्ति ने फिर पलट के आपकी तरफ कभी नहीं देखा। ऐसा कई दफ़े आपने महसूस किया होगा कि आप करने गए थे अच्छा किसी के साथ में, लेकिन आपके खुद के साथ में बुरा हो गया। तो आज मैं एक उपाय बताने वाला हूँ कि जिससे आप सही हैं और यदि आपके साथ में गलत हो रहा है तो आप ये उपाय करें। इस उपाय के करने से आप देखेंगे कि ये जो घटनाएं आपके साथ में घट रही थी, जैसे कि आप सही थे और फिर भी आपके साथ में बुरा हो रहा था, ये बंद हो जाएंगी। और जैसे ही आप अपने कार्य में ही लग जाएंगे सिर्फ, तो भी आप देखेंगे कि आपके साथ में सही होने लग जाएगा, लोग आपको धोखा नहीं देंगे। यदि आप मन लगा करके काम करते हैं तो आपके पास में पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप किसी को कुछ देते हैं, मान लीजिए हेल्प के लिए पैसा टका कुछ देते हैं, तो वो व्यक्ति भी आपके साथ में गलत नहीं करेगा और आपको पैसे लौटा देगा। तो दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वो उपाय कि जिसके करने से यदि आप सही हैं, लोगों के साथ में सही करते हैं, मन लगा करके कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी यदि आपके साथ में कुछ सही नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनने आपके घर में अड्डा बना लिया है। कुछ ऐसी नेगेटिव काली शक्तियाँ हैं जिनने आपके ऊपर पूरी पकड़ बना ली है। अब ये वो शक्तियाँ हैं जो पॉजिटिव चीज़ों को आप तक नहीं आने देती हैं। तो आज के इस उपाय से ये जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं परेशान हो जाएंगी, इन्हें तकलीफ़ होगी और ये आपका घर और आप पर जो इन्हें पकड़ जमाई है इसको छोड़ने को मजबूर हो जाएंगी। आपके घर से एक एक करके सारी शक्तियाँ, ये जितनी भी काली शक्तियाँ हैं, निकल जाएंगी और फिर आप देखेंगे कि आप जितना करेंगे उससे अधिक आपको फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को करना है। एक नींबू ले लीजिए, पका ले या कच्चा ले इसका कोई मतलब नहीं है। नींबू का फिर आपको जो उपयोग करना है कर सकते हैं। काफ़ी लोग फिर एंड में सवाल करते हैं कि इस चीज़ का क्या करना है, मैटर उस चीज़ का है ही नहीं। जो चीज़ मैं बताता हूँ सिर्फ उस चीज़ का मैटर, वो चीज़ मैटर करती है। तो आपको क्या करना है कि नींबू के आप चार बीज ले लीजिए, नींबू काट के उसके आप चार बीज ले लीजिए और ये बीज कटे फटे ना हो इसका ध्यान रखें। ऐसे चार बीज आप ले लीजिए। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। सोने से पहले तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अपने उल्टे हाथ में आप कुछ पैसे रखें, कुछ भी, एक रुपये, दो, पाँच, दस रुपये, कुछ भी पैसे आप अपने उल्टे हाथ में रखें और अपने सीधे हाथ में आप चार नींबू ले लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके खड़े हो जाएं
और जिस हाथ में नींबू के बीज हैं उससे अपने सर से उसको 7 दफ़े ऐसे वार लें, पैसे को ऐसे आप पकड़ लें कि वो पैसे को भी आप वार लें, इस तरह से आप 7 दफ़े वार लें। फिर इस पैसे को आप कहीं पर भी रख दें, और ये जो नींबू के बीज है इसको आप शौचालय में, गटर में, नाली में कहीं भी बहा दें, और फिर हाथ पैर धो लें, अपने स्वच्छ हो जाएं। उस पैसे को आप कहीं पर भी संभाल करके रख दें। दूसरे दिन आपको फिर यही उपाय करना है, उसी समय करना है। इस तरह से 7 दिन तक आपको इस उपाय को करना है। हर रोज़ पैसे आपको वही रखने हैं, नींबू के बीज आप वो बहा देंगे तो एवरीडे आपको नए बीज लेने हैं। 7 दिन आप इस उपाय को करें, 7 दिन में आप देखेंगे कि आपके ऊपर कितनी भी या आपके आसपास जो कोई भी नेगेटिव शक्ति होगी, काली शक्तियाँ होंगी, कुछ किया कराया होगा, कुछ भी होगा टोना टोटका, वो सारी चीज़ चली जाएगी कि जिससे आप लोगों के साथ में अच्छा कर रहे थे और आपके साथ में बुरा हो रहा था, ऐसी घटनाएँ घटित होना बंद हो जाएंगी। 7 दिन तक इस उपाय को आपको करना है। सूर्यास्त के बाद से सोने के पहले तक कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। नींबू का आप मन चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे आपको एवरीडे वही रखने हैं। इसके बाद उस पैसे को आप या तो मंदिर में दान कर दें या हमेशा जहां कहीं आप पैसे रखते हैं वहां पर रखें, लेकिन उस पैसे को आप निजी खर्च में इस्तेमाल न करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।